हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इन्हीं लेक्चर्स की सीरीज में हमने अपनी फर्स्ट डिजीज जो कि है एस्मा, जिसे हम नॉर्मली अस्थमा भी बोलते हैं, वो कवर कर लिए। हमने उसकी पैथोफिजियोलॉजी और ट्रीटमेंट दोनों डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम सेकेंड रेस्पिरेटरी डिजीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो सबसे पहली बात तो COPD को लेकर ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये एक सिंगल डिजीज नहीं है, ये ग्रुप ऑफ डिजीज है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी एयरवे पासेज है वो आपका क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। और फाइनली आप जानते हो ना, अगर रेस्पिरेटरी पासेज यानी कि आपके ब्रोंकाइज, उनमें कहीं भी कोई भी आपका क्या आता है, ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो उसकी वजह से क्या होगा आपका, अल्टीमेटली उनका काम क्या है, हम एयर ले रहे हैं, फाइनली एयर को कहाँ पहुंचना है, हमारे एल्विलाई में पहुंचना है ना, क्योंकि एल्विलाई और कैपिलरी बेड के बीच में ही गैसेस एक्सचेंज होता है, पढ़ा है ना सारा रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में। तो इनका पैसेज का क्या काम है कि भाई अगर हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं तो वो इन्हीं पैसेज के थ्रू, ब्रोंकाइज के थ्रू किसको मिलती है, एल्विलाई को मिलती है ना ऑक्सीजन। और एल्विलाई में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसी पैसेज के थ्रू हमारे नेजल कैविटी से बाहर आती है, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। यानी कि अगर इन ब्रोंकाइज में कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे एल्विलाई को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और एल्विलाई में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं निकलेगी। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, हाइपोक्सिया की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले तो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, दूसरा क्योंकि CO2 एल्विलाई में ही रह जा रही है, बाहर नहीं निकल पा रही है, तो होगा क्या, जो ब्लड अपने अंदर की CO2 जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस उम्मीद से आ रहा है कि भाई मेरे अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड ये एल्विलाई ले लेंगे और मुझे ऑक्सीजन दे देंगे, वो होगा नहीं प्रोसेस। तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, बॉडी से बाहर CO2 आ नहीं रही है। तो इसकी वजह से आपकी जो सिचुएशन क्रिएट होगी, आप जानते हो CO2 ज्यादा होगा तो हाइपरकैपनिया होगा, हाइपरकैपनिया होगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी, समझ में आ रहा है। उसके रिजल्टेंट इफेक्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी फिलहाल जो बात, एक चीज दिमाग में रखनी है कि जो COPD है वो ग्रुप ऑफ डिजीज है, तो ये कौन सी डिजीज है जो मिलकर COPD कॉज करती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दो डिजीज है हमारे पास, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरी ये एम्फाइसीमा। अगर ये दोनों बीमारियां मिलके आपका क्या बनाती है, COPD बनाती है, समझ में आया। तो COPD की जब हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हमें किसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की और एम्फाइसीमा की। यानी कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से कैसे आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, एम्फाइसीमा की वजह से कैसे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। दोनों की वजह से हमारा पैसेज क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे, जिसकी वजह से फाइनली क्या होगा, आपका ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखिएगा कि CO2 की वजह से, मैंने एस्थमा में आपको बताया था कि एस्थमा के थ्रू, एस्थमा को हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, अगर किसी को एस्थमा है तो हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन जो ये COPD है, COPD की वजह से जो डैमेज होता है ना उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो कि बहुत डेंजरस आपकी क्या है, डिजीज है, तो ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी हम डिटेल में जाएंगे। लेकिन पहले आज बात करते हैं COPD की पैथोफिजियोलॉजी की, कि भाई COPD हो कैसे रहा है। तो मैंने क्या बताया कि COPD जो है आपकी डिजीज, इसके पीछे ये बीमारी के लिए दो हमारी क्या है, डिजीज रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहली कौन सी है हमारी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ओके, और सेकंड जो डिजीज है हमारी वो क्या है आपकी, एम्फाइसीमा। क्या है, एम्फाइसीमा। तो दोनों ही डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही COPD का कारण है। COPD सीधे से समझ में आ रहा है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी पैसेज में। चलिए पहले बात करेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की, कि भाई ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कैसे होता है, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। तो फर्स्ट हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग एम्फाइसीमा को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है, मैं एक आपको, रेस्पिरेटरी पैसेज आप जानते हो ना, इस तरीके से होती है हमारी ब्रांचिंग, इस तरीके से आपके ब्रांचिंग होगी पूरी, ठीक, लाइक दिस, फिर इनकी भी आपकी ब्रांचेस निकलती हैं। चलिए
तो इस तरीके से हमारा क्या है, ब्रांचिंग है ना। प्राइमरी ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई फर्स्ट ब्रांच है, इससे निकली हुई ब्रांच क्या है, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, और सेकेंडरी से भी अगर फर्दर कोई आपकी इस तरह से ब्रांच निकल ली है तो वो क्या है हमारे टर्सरी ब्रोंकाई, और इनके एंड में क्या होता है हमारा एल्वेलाई होता है। तो पढ़ा है ना सबने, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं ना रेस्पिरेटरी एनाटॉमी की, तो ये हमें पता है। तो ये हमारे एल्वेलाई है, ठीक है। हम जब भी एयर लेते हैं, ये सपोज ये ऐसे मैं बना देती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। तो जब हम एयर लेते हैं, ये हमारा ट्राकिया है, तो एयर यहाँ से अंदर एंटर करती है ना, यहाँ से अंदर एंटर करती है, ये आपकी ब्रोंकाइज है, ठीक। यहाँ से एयर होते हुए आएगी, ठीक, फाइनली सेकेंडरी में आई, फिर यहाँ से टर्सरी में जाके फाइनल एयर कहाँ पहुंच गई, हमारे एल्वेलाई के अंदर पहुंच गई। और हम जानते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, पल्मोनरी बेड है, ठीक। इस तरह ये ब्लड सर्कुलेशन है, और क्या होगा आपका ब्लड सर्कुलेशन में, इसके अंदर से जो एयर है, एल्वेलाई से जो ऑक्सीजन है वो तो कहाँ चली जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन में, और ये ब्लड में जितनी भी CO2 है वो कहाँ आ जाएगी, एल्वेलाई के अंदर आ जाएगी। यही होता है ना गैसेस एक्सचेंज। तो चलिए समझते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में क्या होता है। अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, मैं इसके एक छोटे से हिस्से को, ये वाला जो पार्ट है, सपोज ये वाला पार्ट, मैं इसे ओपन करके यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसे समझेंगे, ये वो है देखो पार्ट, यही मैंने कट किया हुआ है पार्ट, इतना पार्ट। अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ, देखो इसका जो अंदर का पूरा हिस्सा आपको दिखाई देगा। तो ये है हमारा, ठीक, आपको पता होगा रेस्पिरेटरी अगर पैसेज की आपको पूरी लेयर्स के बारे में पता है, तो सबसे आउटर आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है। उसके अंदर आपकी क्या होती है, मस्कुलर लेयर होती है। नेक्स्ट आपके पास क्या रहता है, सब म्यूकोसा प्रेजेंट होता है, सब म्यूकोसा बोलते हैं, है ना। और इसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या होती है, म्यूकोसल लेयर होती है, इस तरीके से ये हमारी म्यूकोसल लेयर है, ये पूरा पैसेज होता है। मैंने इसको ओपन करा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम ओपन करके देख रहे हैं भाई कि इसके अंदर कौन कौन सी लेयर होगी, ठीक। तो ये हमारी लेयर है, इसको मैं और थोड़ा सा मस्कुलर फॉर्म में दिखा देती हूँ। ये लीजिए, ये था जिसे मैंने ओपन किया, ठीक है। अब ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके पैसेज में जब आपकी एयर आप लेते हो तो कौन कौन सी आपके लेयर्स वहां पे प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे अंदर जो लेयर होती है वो क्या है, बीच में देखो जो ये स्पेस आपको दिख रहा है, ये ल्यूमेन आपको दिख रहा है, इसी के थ्रू एयर आती है आगे की ओर, जो पास हो रही है ना एयर यहां से, वो इस हिस्से से आ रही है, इतना जो एरिया है ये सेंटर में। तो होगा क्या, देखो जनरली यहाँ पे जो है हमारी इस तरीके से जो सब म्यूकोसल लेयर है ना, ये वाली रेड कलर से जो मैंने दिखाई है, यहाँ पे क्या होती है आपकी म्यूकोसल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है आपकी म्यूकोसल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, और जिसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है आपकी, इस तरीके से ये ग्लैंड रहेंगी, इसकी ओपनिंग होती है आपकी म्यूकोसा लेयर में, इस तरीके से ये ग्लैंड है। ये कैसी, कौन सी ग्लैंड है बेटा, ये म्यूकोसल ग्लैंड है, ध्यान रखिएगा कौन सी ग्लैंड है, यहाँ पे म्यूकोसल ग्लैंड है। ग्लैंड है तो कहाँ पे, आपकी सब म्यूकोसा लेयर में है, लेकिन इसकी ओपनिंग कहाँ पे हो रही है आपकी, म्यूकोसा में, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब ये ब्रोंकाइटिस होने का कारण क्या है, ये तो खाली हमने अभी फिजियोलॉजी देखा कि बस बॉडी में आपका जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है वो किस तरीके का होता है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये लिखने की जरूरत है, बट मैं स्टिल अंदर वाली लेयर्स को लिख देती हूँ जिनसे अभी हमें मेन मतलब है। तो ये आपकी थी सब म्यूकोसा, ठीक है, जिसमें हमारी क्या है, सब म्यूकोसल ग्लैंड प्रेजेंट है, और ये है हमारी म्यूकोसा, सबसे इनरमोस्ट लेयर क्या है हमारी, म्यूकोसा है, तो ध्यान में रखिएगा। और ये जो म्यूकोसल ग्लैंड है, इनकी ओपनिंग कहाँ होती है, म्यूकोसा में ही होती है, ठीक है। तो अब होता क्या है, देखो ऑब्वियसली ये जो आपकी सब म्यूकोसल ग्लैंड है, इनका काम क्या होगा, म्यूकस प्रोडक्शन का, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो मॉइस्ट रहे, ठीक है, मॉइस्ट रहे। उससे क्या होगा आपका, कहीं पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, साथ ही साथ जो म्यूकस बनता है वो क्या करता है, जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह अंदर आप जब एयर इनहेल करते हो, तो अगर उसमें कोई डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल है तो ये उसे इंट्रैप कर लेता है, और फिर क्या होता है, ये इसे रिमूव भी कर देता है। समझ में आ रहा है, जरूरी है ना, म्यूकस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो अब बात आती है कि भाई ब्रोंकाइटिस हो कैसे रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी बॉडी, कौन कौन सी सिचुएशन होती है पहले वही मैं डिस्कस कर लेती हूँ जिनकी वजह से ये ब्रोंकाइटिस होने वाला है। डस्ट हो गया आपका, ठीक है, डस्ट, वो भी सिलिका, अगर डस्ट में सिलिका प्रेजेंट है तो आपका ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हो
हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। मोस्टली ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा जो ब्रोंकाइटिस के केस या एम्फाइसीमा के केस आते हैं वो स्मोकिंग की वजह से आते हैं, तो इसे मैंने फर्स्ट में लिखना चाहिए, ठीक है। स्मोकिंग सबसे इंपॉर्टेंट आपका रीजन है। लास्ट आपका आता है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, अब आप बोलेंगे ये क्या है अभी, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन क्या है, तो ध्यान में रखिएगा अल्फा वन जो एंटी ट्रिप्सिन है ये हमारा क्या होता है, लीवर बनाता है, ठीक है। तो कुछ लोगों में क्या होता है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है आपका, कि ये बनता ही नहीं है, ऐसे इसके जीन ही अवेलेबल नहीं है, जीन का एक्सप्रेशन ही नहीं होता है। तो ये बहुत से जिन लोगों में ये एंटी ट्रिप्सिन नहीं बन रहा है, जो कि लीवर का काम है जिसे बनाना, तो क्या होता है उन लोगों में आपका ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अभी मैं बताऊंगी इसका क्या है। ये एक्चुअल में क्या होता है ना, एक एंजाइम होता है प्रोटीएज एंजाइम, इलास्टेज एंजाइम, जो क्या करता है एल्वेलाई की इलास्टिसिटी को खत्म करने का काम करता है। एल्वेलाई का जो बाहर का जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है वहां पे क्या होता है आपका बेसिकली इलास्टिन प्रेजेंट होता है, तो जो इलास्टेज एंजाइम है वो इलास्टिन को तोड़ने का काम करता है। और इलास्टिन आप जानते हो बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर स्ट्रेचेबिलिटी। एल्वेलाई फैल रहे हैं, फिर अपनी पोजीशन में आ जा रहे हैं, वो किसकी वजह से, इलास्टिन की वजह से, तो इलास्टेज उसे खत्म करने का काम करता है। और ये जो एंजाइम, ये आपको अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन दिख रहा है, ये इलास्टेज को रोकता है। अब इलास्टेज अगर रुक गया, अगर जिन लोगों की बॉडी में अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन बन रहा है, लीवर बना रहा है, तो उन लोगों की बॉडी में क्या होगा, इलास्टेज इनहिबिटेड रहेगा और इलास्टिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और इलास्टिसिटी एल्वेलाई की मेंटेन रहेगी। समझ में आ गया है, जो रेस्पिरेटरी पैसेज की आपकी इलास्टिसिटी है वो मेंटेन रहेगी, क्लियर, ठीक है। बाद में इसको देखते हैं। तो अभी होता क्या है, देखो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। तो अभी फिलहाल हम दो पे फोकस करेंगे, क्योंकि लास्ट में आपको समझा चुकी हूं उसका यहां पे रोल नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी हमारी बॉडी में डस्ट एंटर कर रहा है, हमारे बॉडी मीन्स हमारे मैं बात कर रही हूं हमारे लंग्स की, ठीक है, हमारे ब्रोंकाइस की, स्पेशली इन ब्रांचेस की मैं बात कर रही हूं। तो होता क्या है, जब भी ये डस्ट, सिलिका, स्मोकिंग, ऐसा कोई भी चीज आपका सिलिका कंटेनिंग डस्ट या फिर कोई जो स्मोकर है वहां पे आपका जब ये होता है, सपोज ये वो पॉलिटेंट है, देखिए ये पॉलिटेंट है जो आपके किससे आए, डस्ट की वजह से आए, स्मोकिंग की वजह से आए, तो ये पॉल्यूटेंट क्या करते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब कोई ऐसी चीज आपकी बॉडी में एंटर कर रही है तो आपकी बॉडी जरूर उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करेगी। अभी मैंने थोड़ी देर क्या बोला, पहले क्या बोला था कि म्यूकस, म्यूकस का काम है कि कोई भी पॉल्यूटेंट अगर अंदर एंटर कर रहा है तो उसे इंट्रैप करे, ठीक है। अब जिम्मेदारी किसकी है म्यूकस बनाने की, ऑब्वियसली म्यूकोसल ग्लैंड की जिम्मेदारी है, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था, ये ग्लैंड्स क्या कर रही थी, आराम से म्यूकस बना रही थी, इनफ था अमाउंट और वो अपना काम कर रहा था। लेकिन अब जैसे ही ये जो लोग स्मोकिंग ज्यादा कर रहे हैं या फिर डस्ट पार्टिकल जिनकी बॉडी में ज्यादा एंटर कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये जो म्यूकोसल ग्लैंड है या ओवर एक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि इन्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा। और आप जानते हो ना, जब भी कोई ऑर्गन, जब भी कोई ग्लैंड ज्यादा वर्क करती है तो उसके साथ क्या होता है, हाइपरट्रॉफी आ जाती है ना। हाइपरट्रॉफी मतलब उसका जो मास है वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, इसकी वजह से जो ये पॉल्यूटेंट एंटर करे हैं, मैं यहाँ पे लिखते जा रही हूँ, ठीक है, पॉल्यूटेंट की एंट्री की वजह से, चाहे वो स्मोकिंग के थ्रू आए हैं, चाहे वो डस्ट के थ्रू आए हैं, उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी म्यूकोसल ग्लैंड है, सब म्यूकोसल ग्लैंड क्या हो जाएगी आपकी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। पहली बात तो हाइपरट्रॉफी, साइज इसका बढ़ जाएगा क्योंकि इसे बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा म्यूकस बनाएगा तो हाइपरट्रॉफी होगा। सेकेंड, क्योंकि बॉडी को पता है कि जो डस्ट पार्टिकल या फिर स्मोक के पार्टिकल जो अंदर एंटर कर रहे हैं उससे डील करने के लिए ज्यादा म्यूकस का बनना जरूरी है, तो वो क्या करेगा, जो ये म्यूकोसल ग्लैंड है ना, इनके नंबर्स भी बढ़ जाएंगे। साइज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हाइपरट्रॉफी तो होगी, लेकिन इनका नंबर्स भी बढ़ जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरप्लासिया। पढ़ा है ना, दोनों टर्म्स पढ़ी हुई है, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लासिया। हाइपरट्रॉफी मतलब इनके साइज का बढ़ जाना, साइज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इनपे लोड ज्यादा है। और दूसरा हाइपरप्लासिया क्यों हुआ, क्योंकि हमें ज्यादा म्यूकस की जरूरत है, तो नंबर ऑफ जो ग्लैंड्स हैं आपकी वो भी आपकी बढ़ जाएंगी। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का निकल के आया वो क्या है, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लासिया ऑफ सब म्यूकोसल ग्लैंड। समझ में आ गया, तो अब इसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा म्यूकस बनेगा, ठीक हो गया। तो यहां पे हम लिखेंगे, इसकी वजह से क्या हुआ आपका, इंक्रीज म्यूकस
प्रोडक्शन, चलिए इसे यहां पे छोड़ते हैं, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ गया। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, ये सब म्यूकोसल ग्लैंड के अलावा हमारे जो पूरे ये एपिथेलिया है आपका म्यूकोसल लेयर है, यहाँ पे एक और हमारी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कौन सी है, गोबलेट सेल्स हैं। ऑब्वियसली ये सेल्स हैं आपकी ग्लैंड की तरह ही वर्क करेंगी क्योंकि ये भी सिक्रीट करेंगी। तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, सेल्स भी प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल्स होती है, गोबलेट सेल्स होती है। तो मैं उन सेल्स को यहीं पर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से पूरे पैसेज में इस तरीके से हमारी क्या होती है, सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये कौन सी सेल है आपकी, ये सेल है हमारी गोबलेट सेल्स। और गोबलेट सेल्स का क्या काम होता है आपको पता हो, तो गोबलेट सेल्स भी क्या करती हैं, म्यूकस ही बनाती हैं। सब म्यूकोसल ग्लैंड जो है ये तो म्यूकस बना ही रही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आपकी क्या है, इस लेयर में पूरी में जो एपिथेलिया है इसमें गोबलेट सेल्स भी प्रेजेंट है। और जिनके ऊपर गोबलेट सेल्स की खासियत क्या होती है कि यहाँ पे आपका क्या होता है, लेयर में इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया सबको पता होना चाहिए, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है, देखो गोबलेट सेल का काम ऑब्वियसली इसका काम ही म्यूकस बनाने का है, तो ये तो म्यूकस तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है, देखो जो हमारे ये डस्ट है, सिलिका कंटेनिंग डस्ट या फिर जो स्मोकिंग जो भी पॉल्यूटेंट है, वो पॉल्यूटेंट क्या करते हैं, इन सीलियास को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो प्रॉब्लम आने वाली है ड्यू टू पॉल्यूटेंट, वो क्या आएगा आपका, सीलियरी डैमेज। समझ में आ रहा है, सीलिया डैमेज हो गए। अब बताइए सीलिया का क्या काम होता है, सीलिया का काम क्या होता है कि जो म्यूकस बन रहा है, ठीक है, उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करे। अगर ज्यादा म्यूकस है, जैसे मैंने बोला आप म्यूकस क्यों बना, म्यूकस इसलिए बना कि ये जो पॉल्यूटेंट आए हैं ये फटाफट से म्यूकोसल जो लेयर है इसमें जो म्यूकस है वो इसे अपने अंदर इंट्रैप कर लेगा और सीलिया इसे हटाते हुए क्या करेंगे, पैसेज से रिमूव कर देंगे। समझ में आ रहा है, रिमूवल के लिए आपका सीलियरी मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो म्यूकस एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो पॉल्यूटेंट है इनने सीलियास को भी डैमेज कर दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा, फाइनली म्यूकस बनेगा तो बहुत, आपका सब म्यूकसल ग्लैंड भी म्यूकस बना रही है, गोबलेट सेल्स भी म्यूकस बना रही है, लेकिन उस म्यूकस को जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना है और जो उसको हटाना है, रिमूव करने का काम करने वाले जो सीलिया है वो डैमेज हो चुके हैं। तो इसकी वजह से क्या बनेगा, फाइनली जो रिजल्टेंट इफेक्ट जो आएगा वो क्या आएगा आपका, म्यूकस प्लग फॉर्मेशन, ठीक है, जो म्यूकस का प्लग बन जाएगा, यानी कि एक आपका क्या बन गया, म्यूकस का एक प्लग बन गया है जो कहीं पे भी अटक सकता है, ठीक है, जो कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। समझ रहे हैं इस बात को, तो चलिए म्यूकस प्लग क्यों बना, ये आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्या है, अगेन मैं पैसेज में आ रही हूं, सपोज ये मेरा यहां पे देखो इस तरीके से म्यूकस प्लग यहां पे बन गया है, ये वो म्यूकस का प्लग है जो यहाँ पे जाके आपका क्या हो गया है, बैठ गया है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इसकी वजह से क्या होगा, अभी तक जो आसानी से एयर अंदर जा रही थी, हम सांस ले रहे थे वाया ट्रैकिया, सब जगह से होते हुए प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई से होते हुए एयर आपके एल्विलाई में भी आ रही थी और एल्विलाई से आपके ब्लड में भी जा रही थी। लेकिन अब क्या होगा, ड्यू टू दिस प्लग फॉर्मेशन आपका जो ये ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है इसकी वजह से आपका ऑक्सीजन अंदर नहीं एंटर कर पाएगी और जो एल्विलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं जा पाएगी। तो इसकी वजह से जो सिचुएशन क्रिएट होने वाली है इस प्लग फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि ये प्रोसेस जो है आपकी ये प्रोसेस रुक गई है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो रिजल्टेंट इफेक्ट आने वाला है वो क्या है आपका, सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे आप वो है हाइपोक्सिया, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पा रही है ड्यू टू दिस प्लग फॉर्मेशन। कैसा प्लग है ये, म्यूकस प्लग है, और साथ ही साथ क्योंकि CO2 बाहर नहीं जा पा रही है, तो आप जानते हो ना जब भी गैसेस एक्सचेंज होता है तो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो CO2 यहाँ से बाहर नहीं जा रही है तो आपको क्या लग रहा है, CO2 यहाँ पे पहले से ही ज्यादा है, और क्या ब्लड से CO2 एंटर कर पाएगी, नहीं, प्रेशर डिफरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में बहुत ज्यादा है तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं एंटर कर पाएगी, तो ब्लड में एक और सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर कैपनिया। और हाइपर कैपनिया मतलब CO2 का लेवल ज्यादा होना,
ऑक्सीजन का कम होना मतलब हाइपोक्सिया और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होना मतलब हाइपर कैपनिया। और आप जानते हो अगर CO2 का लेवल ब्लड में ज्यादा होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी ब्लड में एसिडोसिस की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये तो प्रॉब्लम हुई हुई, अब आपको ऑक्सीजन वगैरह कम है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो होगी ना, सांस लेने में दिक्कत आएगी आएगी। एक और जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो ये म्यूकस प्लग बन रहा है ना, बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है। आपको पता है ये पॉल्यूटेंट की एंट्री की वजह से म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना कि इसकी वजह से जो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है वो भी आपके क्या बढ़ जाते हैं। ठीक है, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो इस म्यूकस में फीड करने लगते हैं। ठीक है, वो इसे एक खाने के तौर पर यूज करने लगते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्पेशली इसकी वजह से निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इन्फ्लुएंजी जो बैक्टीरिया है वो इसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो ये है आपकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, कि भाई ब्रोंकाइटिस कैसे हो रहा है। और अब देखो अल्टीमेटली इससे सीओपीडी हो सकता है, सीओपीडी का पार्ट मान सकते हो, उसे मानोगे ना, क्योंकि सीओपीडी क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है पल्मोनरी सिस्टम में। और यहाँ पे भी तो ये म्यूकस प्लग की वजह से क्या हुआ था, ऑब्स्ट्रक्शन ही तो हुआ था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही थी, CO2 बाहर नहीं निकल रही थी, क्लियर है ना। तो ये है आपकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इसी के नेक्स्ट पार्ट में अब हम देखेंगे कि एम्फाइसीमा क्या है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग डिजीज है, तो इसे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।